यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होगे। नई वीडियो में आ चुके हैं। तो गाइज स्टेटस कैसे क्रिएट करके आज का मैं वीडियो में बताएंगे, और बेवफा स्टेटस कैसे क्रिएट करके आज के वीडियो में बताएंगे। और नए नए तो सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट करना, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुम भी फास्ट देख पाओगे भाई, ठीक है ना। तो पहले क्या करना है, तुम्हारे को एक एप्स को जरूरत होगी, उसका नाम है लाइट मोशन। तुम्हारे पास लाइट मोशन नहीं है तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो गए, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले क्या करने का, पहले का लाइट मोशन पहले ओपन करने का, ठीक है ना। ओपन करके बाद नीचे पहले क्या करना पड़ेगा, नीचे देखो बीट मिलेगा, बीट मार्क पर मिला तो बीट मार्क में क्लिक करना है। क्लिक करके बाद देखो बीट इफेक्ट और प्रेजेंट, मेरा वीडियो का नीचे लिंक देखा है वहाँ से इनपुट कर लेना, ठीक है, ठीक है ना। तो पहले क्या करना है, बीट में क्लिक करना है। बीट में क्लिक करके बाद यहाँ पर लास्ट तक एकदम फोटो ऐड करना पड़ेगा। तो फोटो कैसे ऐड तुझे बता देता हूँ। तो पहले क्या करना है, प्लस में नीचे देखो प्लस मिलेगा, तो प्लस में क्लिक करना है, फोटो में क्लिक करना है, यहाँ पर फोटो मिलेगा। मैं टेलीग्राम में ज्वाइन है वहाँ से फोटो ले सकते हैं। तो क्या करना है, फोटो में क्लिक करना है, ऊपर थ्री डॉट में क्लिक करना है, फुल कैनवास से नहीं करना है, थ्री डॉट में क्लिक करना है, तीर काट देना, ठीक है ना। जब नेक्स्ट फोटो ऐड करने के लिए फोटो में प्लस में क्लिक करना, फोटो तो क्लिक करना, ये फोटो में क्लिक करना, ऊपर थ्री डॉट में क्लिक करना, फुल कैनवास से नहीं करना, तीसरे में क्लिक करना, स्वाइप करके काट देना, ठीक है ना भाई। फिर से क्या करना है, प्लस में क्लिक करना है, फोटो में क्लिक करना है, फोटो में क्लिक करके ऊपर थ्री डॉट में क्लिक करके थ्री डॉट फुल कैमरे से ना करना, तिरछन के लिए सब कर काट देना। तो ऐसे करके लास्ट तक फोटो ऐड करना, ठीक है ना गाइज। तो फोटो ऐसे करके लास्ट तक ऐड करना, तेरे वीडियो फास्ट कर देता हूँ, तब भी तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो फोटो लास्ट तक ऐड करके आ रहा हूँ, ठीक है। फोटो लास्ट तक ऐड करके हो गया है तो क्या करना है, पहले बैक कर लेना है। बैक करके बाद इफेक्ट में क्लिक करना है, इफेक्ट में क्लिक करना है, फास्ट मिलेगा, देखो इफेक्ट मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इफेक्ट मिलेगा। तो पहले क्या करना है, फास्ट इफेक्ट को क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में क्लिक करना है, थ्री डॉट में क्लिक करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है ना। सिंपली बैक कर लेना है, बैक करके जिस पेड बना रहे हैं तो इसमें क्लिक करना है। क्लिक करके बाद फास्ट में 0.0 पॉइंट में मिलेगा एक फोटो मिलेगा, तो फोटो में क्या करना है, पहले फोटो में क्लिक करना है, ठीक है ना। फोटो में क्लिक करना है, फोटो में क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में क्लिक करना है, थ्री डॉट में क्लिक करना है, पेस्ट पेस्ट कर लेना है, ठीक है ना। सिंपली बैक कर लेना है, सिंपली एकदम बैक कर लेना है। बैक में क्लिक कर बैक करके इफेक्ट में क्लिक करना है, इफेक्ट में क्लिक करना है, फास्ट इफेक्ट हो गया मेरा। तो फिर दो नंबर इफेक्ट में क्लिक करना है, दो नंबर इफेक्ट में क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में क्लिक करना है, थ्री डॉट में क्लिक करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है ना। सिंपली बैक कर लेना है, बैक में जिस पर में तुम जिस प्रोजेक्ट में बना रहे थे जिस प्रोजेक्ट में बना क्लिक करना है, क्लिक करके सिंपली आगे स्क्रॉल करना है, ठीक है ना। सिंपली आगे स्क्रॉल करना है ना, स्क्रॉल करके जाना है, ठीक है ना। स्क्रॉल करके जाना है, यहाँ पर मिलेगा 8 8 5 में जाना है, पॉइंट में जाना है, पॉइंट में जाके यहाँ पर बड़ा फोटो मिलेगा, तो बड़ा फोटो में क्लिक करना है, नीचे में फिर में क्लिक करना है, लेकिन यहाँ कर क्लिक करके पेस्ट पेस्ट कर लेना, ठीक है ना। सिंपली क्या करना है, सिंपली क्या करना है, सिंपली में आगे जाना है। आगे जाके बाद तुमको बता देता हूँ, आगे जाके बाद सिंपली आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाके सिंपली बैक कर लेना है। बैक करके इफेक्ट में क्लिक करना है, इफेक्ट में क्लिक करके एक नंबर दो नंबर इफेक्ट हो गया मेरा। एवं तीन नंबर इफेक्ट क्लिक करना है, तीन नंबर में इफेक्ट में क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में क्लिक करना है, थ्री डॉट में क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है। सिंपल क्या करना है, बैक कर लेना है। एवं जिस प्रोजेक्ट में तू बना रहे थे जिस प्रोजेक्ट में क्लिक करना है, क्लिक करके बाद सिंपली ऊपर स्क्रॉल कर लेना है, ऊपर में क्लिक कर स्क्रॉल करके बाद आगे जाना है। आगे जाने के बाद तुमको बता देता हूँ, आगे जाके बाद तुमको बता रहा टाइम लाइन बता रहा हूँ। तो गाय 67 पॉइंट में जाना है, इसके बाद देखो चार फोटो मिल रहा है, चार फोटो में पेस्ट वेट कर लेना है। तो फोटो में क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में क्लिक कर लेना है, थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट वेट कर लेना है। सिंपली नेक्स्ट फोटो में क्लिक कर लेना है, नीचे इफेक्ट में क्लिक कर लेना है, थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट वेट कर लेना है, सिंपली बैक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट फोटो में क्लिक कर लेना है, इफेक्ट में क्लिक कर लेना है, ये थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। सिंपली तार इफेक्ट में नीचे इफेक्ट में क्लिक कर लेना है, इफेक्ट में क्लिक कर लेना है, थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। सिंपली क्या करना है बता दे, तीन नंबर इफेक्ट कंप्लीट है जाना है, ठीक है ना। सिंपली क्या करना है, बैक कर लेना है। बैक करके बाद इफेक्ट में क्लिक कर लेना है, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर इफेक्ट हो गया है, चार नंबर इफेक्ट कंप्लीट करना है, चार नंबर में फोटो में क्लिक कर लेना है, इफेक्ट में क्लिक कर लेना है, थ्री डॉट में क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर लेना है। सिंपली बैक कर लेना है, बैक में कर लेना है, प्रोजेक्ट में क्लिक कर लेना है। सिंपली आगे जाना है, आगे जाके बाद तुम लोग को बता देता हूँ कहाँ पर इफेक्ट चार नंबर इफेक्ट कहाँ पर पेस्ट करना है। तो सिंपली आगे जाना है, आगे जाके बाद तुमको बता देता हूँ, सिंपली आगे जाना है।
आगे जाकर यहाँ पर देखो चार फोटो मिलेगा, ये चार फोटो में इफेक्ट पेस्ट करना है। तो तुम टाइमलाइन बता देता हूँ, 67 में जाना है, जाके बाद देखो यहाँ पर फोटो मिलेगा, यहाँ पर फोटो में सॉरी तो गाइस 91 में जाना है, वहाँ पर फोटो बड़ा फोटो मिलेगा, बड़ा फोटो मिलेगा, बड़ा फोटो में क्लिक करना है, नीचे फीड में क्लिक करना है, थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना, ठीक है ना, सिंपली बैक कर लेना है। बैक करके बाद इफेक्ट में क्लिक करना है ना, इफेक्ट के कर बाद सिंपली आगे जाना है, आगे जाके बाद चार नंबर इफेक्ट हमारा हो गया है, ये पाँच नंबर इफेक्ट कम्प्लीट कर देना, पाँच नंबर फोटो में क्लिक कर लेना है, इफेक्ट में क्लिक कर लेना है, इफेक्ट थ्री डॉट में क्लिक करना, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, सिंपली क्या करना है बैक कर लेना है, जिस प्रोजेक्ट में बना रहे थे जिस प्रोजेक्ट में क्लिक कर लेना है, क्लिक करके बाद सिंपली आगे जाना है, ठीक है ना, आगे जाना है, आगे जाके बाद तुमको बता देता हूँ कहाँ पर इफेक्ट कर लेना है, ठीक है ना भाई, पेस्ट कर लेना है। तो पेस्ट कर लेने के बाद सिंपली आगे जाना है, आगे जाके बाद तुम लोगों को बता देता हूँ कहाँ फाइव नंबर इफेक्ट कहाँ पर ऐड करना है। तो सिंपली आगे जाना है, आगे जाके बाद तुम लोग को बता देता हूँ, टाइम लाइन बता रहा हूँ गाइस, 90 10 में जाना है, यहाँ पर तीन फोटो मिलेगा, ये तीन फोटो में इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो इफेक्ट ऐड करने के लिए फोटो में क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में क्लिक कर लेना है, थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है, सिंपली नेक्स्ट फोटो में क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में कर लेना है, थ्री डॉट में क्लिक कर लेना है, पेस्ट इफेक्ट कर लेना है, ठीक है ना, नेक्स्ट फोटो में क्लिक कर लेना है, नीचे इफेक्ट में क्लिक कर लेना है, ये थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। सिंपली क्या करना है तुम लोग को बता, क्या कर लेना है, सिंपली बैक कर लेना है, बैक करके बाद इफेक्ट में क्लिक कर लेना है, इफेक्ट में क्लिक करके बाद देखो एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पाँच नंबर हो गया है इफेक्ट मेरा, ये छः नंबर इफेक्ट कंप्लीट कर देना, छः नंबर फोटो में क्लिक कर लेना है, नीचे इफेक्ट में क्लिक कर लेना है, थ्री डॉट में क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, सिंपली क्या करना है बैक ना कर लेना है, बैक करके जिस प्रोजेक्ट में तुम बना रहे थे जिस प्रोजेक्ट में क्लिक कर लेना है, क्लिक करके बाद सिंपली आगे जाना है, ठीक है, छः नंबर इफेक्ट कहाँ पर ऐड करना है तुम लोग को बता देता हूँ, सिंपली आगे जाके टाइम लाइन तुम लोग को बता रहे हो, तो एकदम आगे जाना है सिंपली आगे जाना है, हम जा रहे हैं तुम जाओ सिंपली आगे जाना है गाइस, हमें आगे जाना है, आगे जाके बाद तुम लोग को टाइम लाइन बता रहा हूँ। तो गाइस 23 में जाना है, जाने के बाद यहाँ पर लास्ट में देखो फोटो मिलेगा छोटा छोटा फोटो मिलेगा, इस छोटा छोटा फोटो में इफेक्ट ऐड कर देना है। तो फोटो इफेक्ट ऐड करने के लिए फोटो में क्लिक कर लेना है, नीचे इफेक्ट में क्लिक कर लेना है, फोटो में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है, सिंपली तो नेक्स्ट फोटो में क्लिक कर लेना है, नीचे इफेक्ट में क्लिक कर लेना है, थ्री डॉट के पेस्ट इफेक्ट कर लेना है, सिंपली बैक कर लेना है, बैक करके बाद ये तीन फोटो में देख रहे हो, ये तीन फोटो में इफेक्ट पेस्ट कर देना है, फोटो में क्लिक करके नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है, फोटो में क्लिक करके नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है, ये नेक्स्ट फोटो में क्लिक कर लेना है, नीचे इफेक्ट में क्लिक कर लेना है, थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है, सिंपली क्या करना है बैक कर लेना है, बैक करके बाद इफेक्ट में क्लिक कर लेना है, इफेक्ट के क्लिक करके बाद सिंपली आगे जाना है, आगे जाके हमारा पाँच नंबर छः नंबर इफेक्ट हो गया है, सेवन इफेक्ट में क्लिक करके नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, सिंपली क्या करना है बैक कर लेना है, जिस प्रोजेक्ट में बना रहे थे जिस प्रोजेक्ट में क्लिक कर लेना है, क्लिक करके बाद सिंपली आगे जाना है, आगे जाके बाद तुमको टाइम लाइन बता रहे हैं कितना नंबर में इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा, इफेक्ट ऐड करो जिन्हें टू नंबर इफेक्ट में क्लिक कर लेना है, टू यहाँ पर दो नंबर इफेक्ट में दो सेकंड में इफेक्ट ऐड कर लेना है, इफेक्ट के ऐड करने के लिए इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है, सिंपली आगे जाना है, आगे जाके बाद देखो यहाँ पर बड़ा फोटो मिलेगा, तुमको टाइम लिमिट बता रहे हैं फोर सेकंड नाइन में जाना है, यहाँ पर बड़ा फोटो मिलेगा, बड़ा फोटो में क्लिक कर लेना है, नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है, सिंपली क्या करना है बैक कर लेना है, बैक करके बाद सिंपली देखो आगे जाना है 64 में जाना है टाइम लाइन में, ये बड़ा फोटो में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। तो गाइज जितना बड़ा बड़ा फोटो देख मिल रहा है सब लास्ट तक एकदम पेस्ट इफेक्ट कर लेना है, ठीक है ना गाइज, लास्ट तक जितना बड़ा बड़ा फोटो में जो इफेक्ट नहीं मिला है तो उसमें सब इफेक्ट दे देना है, ठीक है ना, तो लास्ट तक इफेक्ट दे के आ रहे हैं, 77 इफेक्ट हो गया है, सिंपली क्या कर लें बैक कर लेना है, बैक करके इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है, इफेक्ट में क्लिक करके एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पाँच नंबर छः नंबर सात नंबर इफेक्ट हो गया है, आठ नंबर इफेक्ट कंप्लीट कर देना
कंप्लीट करने के लिए फोटो में क्लिक कर लेना है, इफेक्ट में क्लिक करके, थ्री डॉट में क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर लेना है। सिंपली क्या करना है, बैक करके जिस प्रोजेक्ट में बना रहे थे जिस प्रोजेक्ट में क्लिक कर लेना है। क्लिक करके बाद सिंपली क्या करना है, आगे जाना है। आगे जाके बाद सिंपली देखो नीचे लिखा, नीचे रहेगा नीचे लिखा, यहाँ पर तीन, एक दो तीन, तीन फोटो मिलेगा, तीन फोटो में इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा। इफेक्ट ऐड कर 1.23 पॉइंट में जाना है, यहाँ पर थ्री फोटो मिलेगा, थ्री फोटो में क्लिक करके पेस्ट फिट कर लेना है। फोटो में क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट फिट कर लेना है। सिंपली नेक्स्ट फोटो में क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट फिट कर लेना है। ये नेक्स्ट फोटो में क्लिक करना है, इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट फिट कर लेना है। सिंपली बड़ा फोटो छोड़ देना है, छोड़ देने के बाद यहाँ पर छोटा छोटा फोटो मिलेगा, यहाँ पर छोटा छोटा फोटो मिलेगा, एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच फोटो में इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो पाँच फोटो में इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ मैं, तुम भी ऐड कर लेना। फोटो में क्लिक करके नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट फिट कर लेना है। सिंपली नेक्स्ट फोटो में क्लिक कर लेना है, नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट फिट कर लेना है। तो गाइस फास्ट कर देता हूँ वीडियो को, ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो गाइस इफेक्ट पेस्ट लेना, तुम भी पेस्ट कर। गाइस सिंपली हमारा छोटा छोटा फोटो में इफेक्ट ऐड करा हो गया है। सिंपली क्या करना है, सिंपली आगे जाना है। आगे जाके बाद देखो यहाँ पर बड़ा फोटो मिल रहा है, बड़ा फोटो छोड़ के तीन फोटो में मिलेगा, ये तीन फोटो में इफेक्ट ऐड कर लेना है। इफेक्ट ऐड करने के लिए फोटो में क्लिक करके नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट फिट कर लेना है। सिंपली नेक्स्ट फोटो में क्लिक करके नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट फिट कर लेना है। सिंपली तरफा पर नेक्स्ट फोटो में क्लिक करके नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट फिट कर लेना है। सिंपली बड़ा फोटो छोड़ देना है, छोड़ के बाद देखो छोटा छोटा फोटो दो मिल रहा है, ये दो फोटो में इफेक्ट ऐड कर लेना है। फोटो में क्लिक करके नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट फिट कर लेना है। सिंपली नेक्स्ट फोटो में क्लिक करके नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट फिट कर लेना है। सिंपली क्या करना है, बैक कर लेना है। बैक करके बाद सिंपली बड़ा फोटो छोड़ देना है, छोड़ने के बाद यहाँ पर छोटा छोटा फोटो मिलेगा, तीन फोटो में इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो गाइस इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ, तुम भी ऐड कर लो। तो गाइस इफेक्ट हमारे तीन फोटो में इफेक्ट ऐड करा हो गया है। इसके बाद देखो बड़ा फोटो मिलेगा, बड़ा फोटो छोड़ के ये छोटा छोटा इफेक्ट मिल रहा है, ये बड़ा छोटा छोटा फोटो मिल रहा है, तो फोटो में सब इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो वीडियो फास्ट कर देता हूँ, जितना छोटा छोटा मिल रहा है लास्ट तक छोटा छोटा मिल रहा है सब पेस्ट ऐड कर लेना है। तो वीडियो फास्ट कर देता हूँ, तब बता रहे तुम लोग हमारा लास्ट तक फोटो इफेक्ट ऐड करके हो गया है। तो सिंपली ऊपर ऑप्शन में क्लिक करके सेव कर लेना है, तुम्हारा स्टेटस हो जाए। तो गाइस नए नए तो सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट करना, जब भी मैं वीडियो अपलोड कर लेना तब भी मेरा तुम फास्ट वीडियो देख पाए। चले जय हिंद जय भारत, लाइव बाय बाय।